जहां 1 और 9 अगस्त को पूरे भारत में आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं चंद्रपुरा के मेन गेट पर विस्थापित मोर्चा धरने पर बैठी है। एक और विकास के अनेकों वादे किए जाते हैं इनके लिए। हम झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जब मैं इस मंच से आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं, तो मैं शुद्ध मन से कहने को तैयार हूं कि आदिवासी ही मेरी पहचान है और उनके संरक्षण के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। न केवल उनका संरक्षण बल्कि जनजातीय भाषाओं के साथ और उनकी संस्कृति के साथ आज जो खिलवाड़ किया जा रहा वो भी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां जन जंगल जमीन की बात करने वाले लोग आगे आते हैं और आदिवासी से नफरत करते हैं, उन लोगों के प्रति भी मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, आप भी इंसान हैं और ये भी इंसान हैं, इनके प्रति मानवीय सहानुभूति की ज़रूरत है। आदिवासी बचाओ, जंगल और जीव जंतु तभी बचेगा। यह एक बहुत बड़ा नारा है कि यदि आदिवासी बचेंगे तभी जंगल और जीव जंतु बचेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पुरानी पीढ़ियां हो या वर्तमान या भविष्य, अगर जंगल के संरक्षण में किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वो है आदिवासी। एक बात और उन्होंने कहा, आदिवासी समुदाय एक स्वाभिमानी समुदाय है, मेहनत करके खाने वाली कौम है, ना तो कभी वो भीख मांगती है। हम भगवान बिरसा एकलव्य और राणा पूंजा की कौम है, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। आधुनिक स्थिति में लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं तमाम आदिवासियों से अनुरोध करूंगा कि वैसे जो लोग आदिवासी शब्द से भी नफरत करते हैं उनके प्रति भी संवेदना जगाने का हम काम करते हैं। वर्तमान स्थिति भयावह है, लेकिन हम इस बात को नहीं झुठला सकते हैं कि सरकारें कोई भी आती है कोई भी जाती है, अपने दमखम पर हजारों वादे करती है कि हम आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन और उनके शारीरिक मानसिक दैहिक नैतिक सभी विकास को लेकर हम आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग से इनकी स्थिति पता चलती है कि ना तो आज इनके पास पीने का पानी है, ना मकान, ना तो सरकारी योजना इनके तक पहुंच पाती है। आखिर कौन है बिचौलिए जो इनका हक मार रहे हैं? आखिर कौन है वो जनप्रतिनिधि जो इनकी अनदेखी 100 वर्षों से कर रहे हैं? डीवीसी चंद्रपुरा में कार्य कर रहे ठेका मजदूर MCRC मजदूर के परिजन की हालत जानिए क्या है। सैकड़ों जगहों पर दर दर की ठोकर खाने के बावजूद भी आज ना तो डीवीसी प्रबंधन उनकी कोई मदद कर रहा है, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को कोई समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवर, एक बात हम बोलना चाहेंगे, ये जो यहाँ महिला खड़ी है, इनके दीदी यहाँ, ये इनके पति MCRC जॉब करते थे, इनके पति का मृत्यु हो गया किसी कारणवश। MCRC ये क्या है? डीवीसी CTPS में ठेका मजदूर कार्य, 3 साल हो गया है मृत्यु होने के बाद, 4 साल ना। तो देखिए इनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन देखिए विस्थापित होने का आदिवासी होने का साफ साफ ही दंश झेल रही है। इनके साथ कोई नहीं है, ना डीवीसी मैनेजमेंट, ना आपका कोई जिला प्रशासन, ना आपका कोई नेता। दीदी एक मिनट, दीदी क्या नाम है आपका? ललिता देवी। ललिता, आप पढ़ी लिखी हैं? जी नहीं, नहीं पढ़ी लिखी। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे? प्लान में काम करते थे। कब उनका मृत्यु हुआ? हो गया 3-3.5 साल से हो गया। उसके बाद दीदी आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ लिख कर दौड़े? इधर गुरु बोला बोला कि हो जाएगा काम, अभी तक हुआ नहीं है। क्या चाहते हैं दीदी कि अभी आपको कुछ तो मिलना चाहिए था उस समय से 3 वर्षों के अंतर्गत? तो बोला होगा होगा, उसके बाद से लॉकडाउन आया, उसके बाद से बाद भी पेपर पर दिए साहब से भेंट उठ किए हैं, तो बोला हो जाएगा ऐसे करके हमको टालते गए। DVC बोलती है कि करेंगे, वो भी वही बात बोलती है करेंगे, लेकिन DVC तो है कि सिर्फ नेताओं की बात मानती है, दलालों की बात मानती है, आम पब्लिक की तो बात कभी सुनती नहीं है। अगर आम पब्लिक की बात सुनते तो सब वहाँ एक व्यक्ति जो बैठे हुए हैं आपके धरने पे, सब तो वही यहाँ के विस्थापित हैं, मूल आदमी हैं, मूल निवासी हैं। देखिए 3 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई इनके पति के। लगातार स्थानीय नेता से संपर्क करते रहे, आश्वासन मिलता रहा, DVC भी आश्वासन देते रहे, लेकिन कहाँ रुका कब रुका? इनकी माली स्थिति इतनी ख़राब है, अगर आपके यहाँ कोई ठेका मजदूर काम करता है तो कुछ ना नीति, कुछ ना संस्था का ढांचा के अंतर्गत, संवैधानिक नियमों के अंतर्गत आप उनको रखते हैं, जिस ठेकेदार के अंतर्गत रखते हैं, कहीं कभी इनके बारे में, इनके फेवर में मानवीय कल्याण भूमिकाओं से आगे बढ़ना चाहिए।
श्रीमान, आप इस राज्य के प्रधान हैं, आपसे इन्हें बहुत उम्मीदें हैं। जिन उम्मीदों के तहत आपको इन्होंने उस पद पे बिठाया, जरा इनके बारे में भी सोचना जरूरी है, जरा इनके घर के बारे में भी सोचना जरूरी है। क्या इन्हें शुद्ध पानी मिल पाएगा, क्या इन्हें आवास मिल पाएगा, या क्या इन्हें वो अधिकार मिल पाएगा जो जी हाँ श्रीमान, जो ये आपसे करते हैं, केवल आपसे उम्मीद है, जरूर आप ये करेंगे।